क्या आप जानते हैं कि 2006 में ट्रिपल एच और शॉन माइकल एक बैकस्टेज सेगमेंट का हिस्सा थे जहां उन्होंने जॉन बोनाइनस का मजाक उड़ाया था। फैंस ने 2011 तक जॉन बोनाइनस को ना तो देखा था और ना ही सुना था, और इसका मतलब उन्हें ये जो 5 साल बाद समझ में आया होगा। रिक फ्लेयर को एक बार $5,000 का फाइन देना पड़ गया क्योंकि उन्होंने एक फोटो लेने से मना कर दिया था। 2005 में अनफॉरगिवन पीपीवी में रिक फ्लेयर का कार्लिटो के साथ एक मैच था, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था, और नेचर बॉय इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और मैच के बाद WWE चाहता था कि रिक एक फोटो ले, हालांकि फ्लेयर ने मना कर दिया क्योंकि उनको अपनी शर्ट उतारनी पड़ी जो कि एरोगेंस के चलते नहीं उतारी, और WWE ने रिक फ्लेयर पर $5,000 का फाइन ठोक दिया क्योंकि उन्होंने पिक्चर नहीं ली थी। क्या आप जानते हैं कि जब कोई रेसलर मनी इन द बैंक जीतता है तो वह कहीं भी जाए लेकिन उसे ब्रीफ के साथ लेकर ही जाना पड़ता है, भले वो रेसलर शो में ना हो। इसके पीछे का कारण यह है, जब रेसलर मीडिया के सामने आए तो उसके पास वो ब्रीफ केस मौजूद हो। जब सीएम पंक ने मनी इन द बैंक जीता तो उन्होंने अपने रेसलिंग गियर ब्रीफ केस में रखना शुरू कर दिया था। शॉन माइकल ने एक बार टीवी पर अपने एक ऐसे फैन को सीक्रेट मैसेज किया था जो WWE की विरोधी कंपनी जो WCW कंपनी के लिए काम कर रहे थे। रेसलमेनिया 30 पर शॉन माइकल मेन इवेंट एक गेस्ट कमेंटेटर के तौर पर आए थे, और अपनी एंट्री के दौरान माइकल ने टू स्वीट कैप्चर किया, और अगले दिन शॉन माइकल WCW नाइट्रो पर शॉन माइकल के असल जिंदगी के दोस्त केविन नैश ने ये कहा, और इसका मतलब ये था कि विरोधी कंपनी के काम करने के बावजूद भी केविन नैश ने रेसलमेनिया देखने के लिए अपने पैसे खर्च किए और वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहते थे। रिक फ्लेयर को काफी समय तक उनको अपना असली नाम नहीं पता था। जब नेचर बॉय पैदा हुए थे उन्हें गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था, और उन्हें नहीं पता था कि उनके असली माँ बाप कौन। उन्हें गोद लेने वाले माँ बाप ने उन्हें रिक फ्लेयर नाम दिया, लेकिन फ्लेयर को 70 साल की उम्र तक उनका जन्म के समय का नाम नहीं पता था। और क्या था रिक फ्लेयर का असली नाम? रिक फिलिक्स था। आपने कभी सोचा है कि जॉन सीना ऐसा क्यों बोलते हैं? नेवर गिव अप स्टीव। स्टीव वो आदमी है जो जॉन सीना की हर एक्टिविटी पर कैमरा संभालता है, और वो WWE के लिए 90 दशक से काम कर रहे हैं। सच कहूं तो स्टीव ने इतने लंबे समय तक काम किया है WWE के लिए कि बैड न्यूज बैरेट को बैकस्टेज एक अलग नाम का इस्तेमाल करना पड़ता था, और बैड न्यूज बैरेट का भी असली नाम स्टीव है। और स्टीव कैमरामैन के साथ भी कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बैरेट को आदेश दिया गया कि बैकस्टेज में उन्हें स्टीव ना बोला जाए। क्या आप जानते हैं कि बैरन कॉर्बन के फिनिशर एंड ऑफ डेज से अब तक कोई भी रेसलर किक आउट नहीं कर पाया? जब कॉर्बन से पूछा गया कि और उन्हें WWE चैंपियनशिप जीतनी अगर कोई उन्हें उनके फिनिशर से कोई भी किक आउट ना कर पाए, इन दोनों में से एक दूसरे को कहे कि वो क्या चुनेंगे, तो बैरन कॉर्बन ने ये जवाब दिया। जॉन सीना ने एक बार WWE चैंपियनशिप एक नए रेसलर से हारने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। 2010 में जैक स्वाइगर ने मनी इन द बैंक जीता, और अगली रात रो में स्वाइगर ने सीना पर अटैक कर दिया, और वो WWE चैंपियन पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशिंग करने वाले थे। हालांकि सीना वापस उठ गए, ऑल अमेरिकन इससे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशिंग कर पाते। जैक स्वाइगर ने कई सालों बाद बताया कि स्टेज के पीछे जॉन सीना ने उनसे हारने से मना कर दिया था, इसकी वजह से जैक स्वाइगर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशिंग स्मैकडाउन में किया था, और जेरिको को हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। उसके कुछ हफ्तों बाद सीना ने जैक स्वाइगर से ये बोला कि तुम मुझे चैंपियनशिप टाइटल में नहीं हरा सकते। चांसेस यह है कि सीना स्वाइगर के बारे में ऐसा ही सोचते थे। क्या आप जानते हैं जब न्यू डे ग्रुप पहली बार स्टार्ट हुआ तो उन्हें अच्छे इंसान का किरदार निभाना था, और फैंस को वो ग्रुप कुछ खास पसंद नहीं आया, और जेबी बुड्स ने सोचा कि क्यों ना विलेन बन लिया जाए। उन्होंने विंस मैकमैन को अपना आइडिया बताया जो कि इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और उन्हें लग रहा था कि आइडिया नहीं चलेगा। इसके बाद जेबी बुड्स ने कहा कि 4 हफ्तों के लिए फैंस को नफरत में नहीं बदल पाए, और मैकमैन उन्हें काम से निकाल सकते हैं चाहे तो, और विंस मैकमैन की बात मान गए, और खुश किस्मती से जेबी बुड्स सफल हुए, और जिसके बाद और न्यू डे सबसे ज्यादा नफरत करने वाला ग्रुप बन चुका। क्या आप जानते हैं जिंदर मोहल ने 2017 में WWE चैंपियनशिप जीती थी? उनका अपना शहर अल्बर्टा कनाडा इतना खुश था, जिंदर मोहल की जीत की खुशी में अपनी सरकार के विधानसभा में बनाया, यहाँ तक उन्होंने जिंदर मोहल का सम्मान भी किया था, और वो कनाडा के पहले ऐसे रेसलर है जिन्होंने WWE चैंपियनशिप जीती है। हम अक्सर ही WWE रेसलर को मनी इन द बैंक ले जाते हुए घूमते हुए देखते हैं, लेकिन हमने शायद ही देखा हो उसके अंदर क्या होता है। और सब जानते हैं जो भी मनी इन द बैंक जीतता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिससे वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर सकता है, पर क्या उस ब्रीफ केस में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? 2010 में मिस्टर मनी इन द बैंक थे इमेज, तब ये ब्रीफ केस गलती से खुल गया था, तब ये पता चला कि WWE उस ब्रीफ केस में कुछ नहीं रखता, यहाँ तक भी ये कॉन्ट्रैक्ट की नकली कॉपी भी नहीं है। WWE ने टीम एम्ब्रोस को वेतु के ढंग से बहुत ही कम पैसे दिए उनके आखिरी मैच के लिए। अप्रैल 2019 में WWE ने स्पेशल इवेंट किया जिसका नाम था शील्ड द फाइनल चैप्टर। मेन इवेंट में सेथ रोलिंस और टीम एम्ब्रोस आखिरी मैच में दिखे। ये मैच काफी बड़ा होने के बावजूद एम्ब्रोस केवल $500 ही मिले। इसे आप ऐसा समझिए, इतना पैसा तो किसी भी रेसलर को लाइव इवेंट में आने से ही मिल जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
2021 में बिग्गी एक रेडियो शो में आए जिसका नाम था ब्रेकफास्ट क्लब। बात करते हुए बिग्गी ने ये कहा, ये कहने के सिर्फ 4 महीने बाद ही बिग्गी और वे सर के बल गिरे और उनकी गर्दन टूट गई और बैरी टू वैली सुप्लेक्स लगा दिया था रोलिंग बूट्स ने। बिग्गी को बैरी टू वैली सुप्लेक्स मारा। खुशकिस्मती से बिग्गी की रीढ़ की हड्डी टूटने से बच गई और उन्हें सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार किसी ने विंस मैकमैन को जान से मारने की धमकी दी थी। 1918 के दौरान विंस मैकमैन WWE को नेशनल ब्रांड बना रहे थे और वाकई सभी रेसलिंग कंपनी की वाट लगा रहे थे। WWE के कमेंटेटर जिम रूस बाथरूम में गए थे और वो एक कॉन्फ्रेंस में थे और जहाँ उन्होंने गलती से कुछ रेसलिंग प्रमोटर को विंस मैकमैन को मरवाने का प्लान बनाते हुए सुना। वैसे उनका तो प्लान फेल ही हो गया होगा क्योंकि विंस मैकमैन आज भी जिंदा है और दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी चला रहे हैं। 1998 में गोल्डबर्ग को कोई नहीं रोक सकता था। मास्टर ऑफ जैक हैमर को कभी हार नहीं मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाया। हालांकि गोल्डबर्ग की कभी न हारने की हिस्ट्री असली टेस्ट तब होने वाला था जब उन्हें बिग शो का सामना करना। जायंट एक शक्तिशाली दुश्मन थे लेकिन वो भी गोल्डबर्ग को नहीं रोक सकते थे जब ये सब स्क्रिप्टेड था। एक चीज जो नहीं थी वो बिग शो का साइज। 60 फुट लंबे जायंट के वजन के बावजूद गोल्डबर्ग उन्हें हवा में उठाने और वापस नीचे गिराने में सक्षम थे और जैक हैमर के लिए प्रभावशाली था लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं था जबकि गोल्डबर्ग बिग शो को इस तरह से पीटने वाले पहले रेसलर नहीं थे। मार्क हेनरी को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और उन्होंने ये किताब हासिल किया है अपने WWE करियर के दौरान। WWE ने कई बार दिखाया है कि वे सच में कितने मजबूत थे। हालांकि 6 जनवरी 2006 को मार्क हेनरी का स्मैकडाउन में गॉड लाइक शक्तियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन। मेन इवेंट में बटिस्टा और रे मिस्टीरियो ने मैन के खिलाफ स्टील केज टैग टीम मैच खेला था। मैच के बीच मार्क हेनरी तूफानी अंदाज में आए। हेनरी केज के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने मैच में शामिल होने की प्लानिंग थी जो हुआ भी। हालांकि WWE प्रोडक्शन टीम ने लोग को तोड़ने के लिए आसान तरीका बनाया लेकिन किसी ने गड़बड़ी कर दी, वहाँ पर असली ताला लगा दिया। हालांकि मार्क हेनरी इतने मजबूत थे कि वे असली स्टील चेन को तोड़ने और काम को पूरा करने में सक्षम थे। WWE रेसलर असली फाइटर नहीं है लेकिन वे धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो ये देखिए, ब्रॉन स्ट्रोमैन एक इंसानी बुलडोजर है। आदमियों के बीच इस दानव ने ताकत के कई अद्भुत कारनामों का प्रदर्शन किया है। हालांकि पर्दों के पीछे कुछ तरकीबें थी जिनसे ये संभव हुआ। शक्ति के इस अद्भुत प्रदर्शन में कोई तिकड़म नहीं थी। रो 2018 में उस रात पेन बैलर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक मैच हुआ सबको दिखाने के लिए कि वो कितने ताकतवर। एक बार ग्रेट खली और बिग शो की बैक स्टेज में लड़ाई हो गई। उस समय से इन दोनों के बीच गजब की लड़ाई चल रही। खली ने अपने विरोधी के सीने पर एक बड़ा सा चौप मारा जो कि बिग शो का एक सिग्नेचर मूव था। खली से इस मूव का इस्तेमाल करने के बारे में बात और उन्हें बहस शुरू हो गई जिस पर बिग शो ने खली के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। ग्रेट खली ने भी पलटवार किया। WWE रेसलर के बीच में असली लड़ाई शुरू हो गई। इस अफरा तफरी के बीच बिग शो कुर्सी में फंसकर जमीन पर गिर गए। खली उनके ऊपर खड़े हो गए और बाद में लड़ाई खत्म हो गई। बाद में बिग शो से माफी मांगने के लिए पहला मुक्का मारने का दबाव डाला गया। इस वजह से खली ने बिग शो को माफ कर दिया।